मेरा स्क्रीन विजिबल होगा आप लोगों को? हाँ चलिए ठीक है। ये वाला फोल्डर देख रहे हैं ना, ये कौन दिखाया? जावा स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर है। इस पे मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ और इसके अंदर जो है दो ठो फाइल है। तो मैं क्या करूँगा अब कि सबलाइम टेक्स्ट एडिटर अपना ओपन करूँगा। ओपन हो जाओ ब्रदर। हो गया ओपन। सारा फाइल जो है मैं बंद कर दिया और फाइल पे गया। ठीक है, ऑल्ट एफ दबा दूंगा तो भी एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, और ये अंडर स्कोर जहां जहां पे है ना उसके अल्फाबेट को अगर मैं प्रेस करूंगा तो भी जो है वो एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, पर मैं सीधा ओपन फोल्डर पे क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे, और डेस्कटॉप में गया और जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल को सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये तो कल वाला होगा। मैं बंद करता हूँ, मैं नया जेएस फाइल बनाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सेव कर दूंगा मैं .js या फिर जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, .html। ठीक है, सेव कर दिया मैं। HTML लिखा, टैब मारा, अपने आप जो है आ गया। स्क्रिप्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो जो है कल तो हम लोग एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट देख लिए थे कि एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट लिंक कैसे किया जाएगा, और फिर जो है जावा स्क्रिप्ट से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो विंडोज एप्लीकेशन भी बन जाते हैं, एंड्रॉयड भी बनते हैं, स्विफ्ट वगैरह, iOS वगैरह भी बनते हैं, और कमेंट वगैरह करना सीख लिए थे हम लोग, और आउटपुट देना भी सीख लिए थे हम लोग। ठीक है, तो मैं स्क्रिप्ट टैग चालू करूँगा, स्टार्ट कर देता हूँ मैं स्क्रिप्ट टैग, एंटर, और फिर बीच में आ जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख दूंगा। तो मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ यहाँ पे। हेलो, स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं। कॉपी फाइल पाथ, मैं ब्राउजर ओपन करा और ब्राउजर में मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट करता हूँ और कंसोल में आउटपुट आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने स्पेलिंग गलत कर दिया है यहाँ पे, देखिए। ठीक है, ऑल्ट टैब दबाया, आ गया इस पे, और रिफ्रेश कर देता हूँ इसको। हेलो दिखाई रहा है, काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा है। मैं कंट्रोल प्लस प्लस का साइन दबाता हूँ, ये बड़ा दिखाई दे देगा। ठीक है, मिनिमाइज कर देता हूँ। तो हम देख लेते हैं वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ डबल स्लैश दे करके, और वेरिएबल हम देख लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल के साथ और देख लेंगे डेटा टाइप। ठीक है, तो सबसे पहला चीज तो ये है कि ये वेरिएबल क्या कहलाता है, आखिर वेरिएबल का जरूरत क्या है। ठीक है, वेरिएबल का क्या जरूरत पड़ा। ठीक है, देखते हैं हम लोग पहले। तो हम कोई भी जब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, तो डेटा को मैनेज के करने के लिए ही बनाते हैं। तो डेटा को मैनेज करने के लिए हम अपना सॉफ्टवेयर बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने जीमेल खोला और फिर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, बाकी बाकी ईमेल एड्रेस आपने चॉइस करा और सबमिट बटन मारा, तो एक तरह से आपका नेम है, यूजर नेम है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सब डेटा ही तो है। ये सब क्या है? ये सब डेटा है। तो डेटा को मैनेज करने के लिए, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, और कोई भी जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, जैसे कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया, कैलकुलेशन करना हो गया, ठीक है, तो इन सब का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह है, ऐसा सारा डेटा को रखना तो पड़ेगा कहीं स्टोर करके। तो डेटा को रखने के लिए बनाया गया वेरिएबल।
ठीक है, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट लाया गया डेटा स्टोर करने के लिए, यही वेरिएबल का मतलब है। अब जैसे वेरिएबल बना, तो वेरिएबल बनाएंगे कैसे हम? वेरिएबल का काम तो है डेटा को स्टोर करना, पर वेरिएबल बनाएंगे कैसे? तो जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने के तीन तरीके हैं, जैसे नेम लिखा वन सेमी कॉलन, जरूरी नहीं है कि आप सेमी कॉलन दीजिए, ठीक है, अब आदत है, दे देता हूँ मैं। लेट केस मदद से भी बनाया जाता है, नेम टू लिख देता हूँ मैं, और कॉन्स्ट के भी मदद से बनाया जाता है वेरिएबल। इन दोनों में कुछ कुछ अंतर है, अंतर क्या है हम देखेंगे इसके बारे में क्या अंतर है। तो वेरिएबल में कोई भी डेटा हम स्टोर करते हैं, और फिर उस डेटा में हम अपने जरूरत के अनुसार किसी भी तरह का कार्य करते हैं। अब वेरिएबल बनाने के लिए सबसे पहले कीवर्ड का इस्तेमाल हम करते हैं। जावा स्क्रिप्ट में वेर कीवर्ड से भी बनता है, लेट से भी बनता है, कॉन्स्ट से भी बनता है। उसके आगे हम कुछ भी नाम लिखे वो कहलाएगा वेरिएबल। तो ये हमारा वेरिएबल बन के रेडी हो गया। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकली अगर ना जाऊँ वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए, तो कोई भी डेटा रखना है आपको तो वेरिएबल बनाएंगे, लेकिन डेटा रखने के लिए कोई जगह तो चाहिए। आप कोई डेटा रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, कोई जगह तो चाहिए। तो यहाँ पे हम डेटा रखेंगे कंप्यूटर के अंदर, राइट? तो कंप्यूटर के अंदर हम डेटा अगर रखते हैं तो कंप्यूटर में मेमोरी लगता है, रैम लगता है, हार्ड डिस्क लगता है। तो कंप्यूटर के अंदर डिजिटल डेटा को रखना है हमको, तो यहाँ पे रैम का जरूरत होता है। तो वेरिएबल हमने बनाया मतलब रैम में हमने मेमोरी एलोकेट किया, रैम में हमने मेमोरी रिजर्व किया कि ये मेमोरी का इस्तेमाल हम करेंगे इसमें डेटा रखने का। मैंने यहाँ पे वार लिखा और नेम लिख दिया, या फिर लेट लिखा नेम टू लिख दिया, इसका मतलब यह है कि रैम में मैंने कोई मेमोरी रिजर्व किया। अब उस मेमोरी में मतलब उस खाली जगह में मैं कोई डेटा रखूंगा। जैसे यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, मैं जावा स्क्रिप्ट ही लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे मैंने वेरिएबल बनाया तो रैम में मेमोरी एलोकेट हुआ, उस मेमोरी लोकेशन को हमने वेरिएबल बोल दिया, और इस मेमोरी एलोकेशन को, इस मेमोरी लोकेशन पे हमने जावा स्क्रिप्ट नाम का डेटा रख दिया। तो हम यहाँ पे डेटा इस तरह से रख देते हैं। अब बात आता है कि डेटा टाइप जो है क्या है। तो जैसे मान लीजिए आपकी, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, नेम को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे नम लिख देता हूँ, ठीक है, नम लिखा और यहाँ पे डाल दिया 10। इसको मैं कट करके ले ले आता हूँ नीचे, और यहाँ पे नम टू कर देता हूँ मैं, 10 कर दिया यहाँ पे। तो ऊपर में जो लेट के सहायता से मैंने वेरिएबल बनाया है, इस पे मैंने जावा स्क्रिप्ट लिखा और डुअल कोट में लिखा। तो ये क्या है, डुअल कोट में जो भी चीजें लिखा जाता है वो सब स्ट्रिंग माना जाता है, हिंदी में बोले तो शब्द माना जाता है। तो डेटा टाइप शब्द टाइप का हो सकता है, नंबर टाइप का हो सकता है, इसको मैं मिटा ही देता हूँ और इसको मैं लेट ही बना देता हूँ। अभी फिर से लेट लिखता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ए नाम से वेरिएबल बनाया, यहाँ पे डाल दिया मैं ट्रू। फिर लेट नाम से बी वेरिएबल बनाया, और फिर यहाँ पे क्या पास कर दूँ मैं, नल पास कर देता हूँ। फिर लेट बना लिया सी, और यहाँ पे अनडिफाइंड, कैसे लिखा जाएगा, अनडिफाइंड ऐसे शायद लिखा जाएगा, मैं श्योर नहीं हूं कि ये स्पेलिंग सही है या गलत। तो कितना डेटा टाइप हो गया, एक डेटा टाइप हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया। और भी डेटा टाइप है, कुछ एरे डेटा टाइप है, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है। तो कुछ इतने तरह के डेटा टाइप हैं जावा स्क्रिप्ट में।
स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, नल है, अनडिफाइंड है। नंबर का मतलब जैसे यहाँ पे मैंने 10 दिया है, 10.5 दे दूंगा, तो ये भी नंबर ही कहलाएगा जावा स्क्रिप्ट के भाषा में। और यहाँ पे ट्रू मैंने असाइन करा तो ए नाम के वेरिएबल में ट्रू चला गया, और ए किस टाइप का वेरिएबल बन गया, बुलियन टाइप का, जिसमें डुअल कोट करके मैंने डेटा डाला वो बन गया स्ट्रिंग डेटा टाइप, जिस पे मैंने डिजिट नंबर डाला वो नंबर बन गया डेटा टाइप, जिस पे मैंने ट्रू या फॉल्स डाला है जिस वेरिएबल में वो बुलियन डेटा टाइप कहलाएगा। वो बुलियन डेटा टाइप कहलाएगा। और फिर नल डाल दिया, इसका मतलब क्या है, उस वेरिएबल में कुछ है ही नहीं, ठीक है। नल डाल दिया मतलब वेरिएबल में कुछ भी वैल्यू नहीं है। अनडिफाइंड का मतलब ये है कि या तो वेरिएबल बना नहीं है, ठीक है, डिफाइंड नहीं है, जैसे ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैं ऑब्जेक्ट पे आऊंगा तो ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, वेरिएबल बना नहीं है। या तो वेरिएबल में अनडिफाइंड डाला गया है, ठीक है, जो डिफाइंड नहीं है, तो अनडिफाइंड जो है फोर्सफुली हमको बनाना पड़ता है वेरिएबल, और नल जो है नहीं, नल को ही जो है हम अलग से बना देते हैं, ठीक है, नल बना दे दिया जाता है अलग से। तो ये डेटा टाइप है, इसको आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे डेटा टाइप, तो एक ऑपरेटर आता है टाइप ऑफ, टाइप ऑफ किया और यहाँ पे नेम टू डाल दिया, ठीक है। इसको मैं रन कर लेता हूँ ब्राउजर पे, जैसे ही मैं इसको रन करा, अनकॉट अनडिफाइंड रेफरेंस, क्यों भाई क्या हो गया, अब तो सही है। अनकॉट इज लाइन नंबर कितने में आ रहा है, लाइन नंबर 15। ये जो है स्पेलिंग गलत है, इसलिए ये बोल रहा है कि हम नहीं मानेंगे इसके बारे में। लास्ट में डी आएगा। अनडिफाइंड, सही कह रहे हैं आप, तो डी मैंने डाल दिया। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, तो स्ट्रिंग आ गया। मैं सभी को क्या करूंगा, इसी तरह से सभी को चेक कर लूंगा और मैं इन सबको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ए हो गया, यहाँ पे मैंने बी कर दिया और यहाँ पे सी कर दूंगा मैं, तो ये सभी का डेटा टाइप मैं चेक कर लूंगा इस तरह से। ये नल आ गया यहाँ पे, तो नल को ऑब्जेक्ट ले लेता है, क्योंकि आपने कोई वेरिएबल बनाया ऑब्जेक्ट, और उसमें कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो नल आ जाएगा, और नल जो है ऑब्जेक्ट डेटा टाइप के कैटेगरी में आ जाता है, और ये जावा स्क्रिप्ट साबित भी कर ही रहा है। तो इस तरह से हम डेटा टाइप जो है बना लेते हैं। तो इस तरह से आप चेक कर लेंगे डेटा टाइप। मैं इन सारे कोड को डिलीट नहीं कर रहा हूँ, कमेंट करके छोड़ दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को इस कोड को दोबारा देखने में आसानी हो। कंट्रोल के साथ मैंने फॉरवर्ड स्लैश दबाया और अपने आप पूरा कमेंट हो गया मेरा कोड। जावा स्क्रिप्ट के बारे में एक चीज बोला जाता है कि ये डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। अब इसका मतलब क्या है, डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब ये है कि नेम टू में मैंने क्या दिया, पहले दे दिया जावा स्क्रिप्ट, इसके बाद अब मैं क्या दे दूंगा, नेम टू इक्वल टू 10। अब प्रोग्राम में चलाऊंगा तो क्या एरर आएगा, कुछ नहीं आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब एक ही है कि
पहले जब वेरिएबल हमने असाइन किया तो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप था, बाद में जो है नंबर बन चुका हो। तो जिसका हम डेटा टाइप बदल सकते हैं वो डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, और जिसका टाइप नहीं बदल सकते वो स्टैटिक टाइप है। तो पहले स्ट्रिंग था, बाद में हमने नंबर असाइन कर दिया, और वेरिएबल बनाने से पहले तो हम जो यहाँ नहीं लिखते इंट या फिर लॉन्ग या फिर फ्लोट या फिर कुछ भी जैसे जावा में हम लिखते हैं, यहाँ पे डेटा के अकॉर्डिंग अपने आप जो है ये अपना डेटा टाइप चेंज कर लेता है। यहाँ तक किसी कोई समस्या? क्लियर है सबको? चलिए, बिल्कुल सही जा रहा है। अब आगे हम देखते हैं कि लेट है, फिर कॉन्स्ट है, और उसके बाद वार है। इनमें आखिर क्या अंतर है? वार कीवर्ड से भी तो बन ही जा रहा था हमारा वेरिएबल। तो इन सभी को मैं कमेंट कर देता हूँ ऐसे। ये कोड सारा गिटहब पे भी मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं जब इच्छा हो। मैं गिटहब का लिंक जो है दे दूंगा ग्रुप में। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल बना लेता हूँ वार से, ठीक है। ए नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें 10 असाइन कर दिया। फिर क्या किया, लेट नाम से वेरिएबल बनाया। नहीं, लेट नाम से नहीं बनाऊंगा मैं, पहले क्या करूंगा कंसोल डॉट लॉग करूंगा, और ए को यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, आप जानते हैं कि 10 प्रिंट हो जाएगा। इसी को अब मैं क्या करूंगा, दोबारा वार के सहायता से मैं 12 करा। अब इसको मैं चलाता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बन चुका। मतलब क्या हुआ कि वार नाम से वेरिएबल ए बनाया फिर भी चल गया, यहाँ पे 12 दर्ज डाला और वार कीवर्ड के सहायता से फिर भी चल गया। लेकिन यहीं पे मैं क्या करता, लेट का मदद लेता, ठीक है। इसको मैं कर दूंगा लेट, इसको भी मैं कर दूंगा लेट। अब इसको मैं रन करता हूं प्रोग्राम, तो देखिएगा क्या बोल रहे हैं, अनकॉट सिंटेक्स एरर आइडेंटिफायर ए हैज ऑलरेडी हैज बीन डिक्लेयर्ड। तो एक अंतर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर होगा ये अंतर। अब अगला देखते हैं, अगला क्या अंतर है। अगला अंतर है स्कोप का। मैं एक ब्लॉक बनाया, कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, क्लोज किया, यहां पे आया, ए लिखा और असाइन कर दिया 10। अब मैं प्रोग्राम को क्या करूंगा, चला दूंगा यहां पे, 10 आ गया। होना तो ऐसा चाहिए था कि स्कोप के अंदर, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर था, तो इसका स्कोप बाहर आना नहीं चाहिए था, कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट होना नहीं चाहिए था। लेकिन वार के मदद से जो वेरिएबल आपने बनाया वो एक्सेस हो जाता है। यही वेरिएबल मैं क्या करूंगा, लेट के सहायता से बना दूंगा। तो जैसे ही मैं लेट के सहायता से बनाया और बाहर प्रिंट करना चाहा, एरर आ गया कि डिफाइंड नहीं है, मतलब वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक अंतर तो ये है। अब इसी को मैं बाहर बनाता हूं, एक अंदर भी बना दिया, एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर है, एक बाहर है। अब क्या होगा, अब इसमें से कौन सा प्रिंट होगा? तो प्रिंट 10 को हो जाना चाहिए, क्योंकि 12 का स्कोप तो इसके अंदर है कर्ली ब्रेसेस के। तो कंसोल डॉट लॉग मैं यहां करूंगा और 10 प्रिंट हो जाना चाहिए। तो प्रिंट हो गया हमारा 10। अब मैं क्या करूंगा, पेरेंट कर्ली ब्रेसेस के अंदर भी एक ठो कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा, तो क्या होगा, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा 12। 12 प्रिंट हो गया कर्ली ब्रेसेस के अंदर वाला, फिर प्रिंट हो गया 10। तो ये स्कोप का भी जो है थोड़ा चक्कर है। अब मैं क्या करूंगा कि जो यहां पे लिखा गया है इसको मैंने कमेंट कर दिया, अब मैं प्रिंट कर रहा हूं। अब क्या हो गया, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो वेरिएबल था ये तो नहीं है,
तो जाएगा ब्लॉक के बाहर खोजने, और ब्लॉक के बाहर ये मिल गया तो इसको प्रिंट कर लिया। आपने पढ़ा होगा इस कॉन्सेप्ट को जावा में भी, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। इस ब्लॉक में जब एग्जिस्ट नहीं किया ए नाम का वेरिएबल, तो ब्लॉक के बाहर गया और यहाँ पे मिल गया, तो 10 प्रिंट हो गया। तो एक अंतर ये भी है, लेट और वार में डिफरेंस, करेक्ट। चलिए, उम्मीद है मुझे यहां तक तो क्लियर ही होगा। अब इसको भी मैं कमेंट करके छोड़ देता हूं। अब देखते हैं कॉन्स्ट क्या कहलाता है। कॉन्स्ट नाम से मैं कोई वेरिएबल बनाता हूं, और यहां पे ले लिया जेड नाम का वेरिएबल, यहां पे असाइन कर दिया मैं 100। अब मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा, तो जाहिर सी बात है ये प्रिंट हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 100 प्रिंट हो गया। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूं कि जो जेड नाम का वेरिएबल है इसमें अब 10 असाइन हो जाए। अब मैंने असाइन कर दिया 10, अब यहां पे चला देता हूं, तो अब क्या बोल रहा है, अनकॉट टाइप एरर असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल। सीधा सा इसका कहने का मतलब है कि जो वेरिएबल जेड आपने बनाया है वो कांस्टेंट है, उसमें एक बार अगर आपने असाइन कर दिया कुछ भी चीजें तो आप बदल नहीं सकते, ये ब्रह्मा का लेखनी हो गया। एक बार आपने जो वेरिएबल में असाइन किया वो नहीं बदल सकते, तो ये कहलाएगा कांस्टेंट। अगर जावा के मैं भाषा में कहूं तो फाइनल वेरिएबल बन गया। अब इसको मैं यहां से गायब कर देता हूं और मैं फिर इसको जो है चला देता, तो ये फिर से बोलेगा मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्टेंट डिक्लेरेशन। आप जब डिक्लेयर करते हैं तो यहां पे देना जरूरी है आपको वैल्यू। तो ये है कॉन्स्ट, जहां पे वेरिएबल में वैल्यू बदलना नहीं है वहां पे कॉन्स्ट का इस्तेमाल करें। अब कंफ्यूजन ये आ रहा है, यहां पे मैं बराबर का साइन दे देता हूं, कि कहां पे हमें कॉन्स्ट लेना चाहिए, कहां पे कॉन्स्ट नहीं लेना चाहिए, लेट लेना चाहिए, और कहां पे वैर लेना चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि लेट आप जब भी वेरिएबल बनाएं तो हमेशा कॉन्स्ट के ही मदद से बनाएं, और जब भी आपको जरूरत होता है कि मैंने वेरिएबल तो कॉन्स्ट से बनाया पर इसका वैल्यू चेंज नहीं कर पा रहा हूं, जब जरूरत चेंज करने का हो तभी आप जो है लेट कीवर्ड के सहायता से बनाएंगे वेरिएबल। क्लियर है यहां तक? जहां पे वैल्यू चेंज करना है वेरिएबल का वहां पे आप लेट के सहायता से वेरिएबल बनाएंगे, जहां पे वैल्यू चेंज करने का जरूरत नहीं है वहां पे कॉन्स्ट के सहायता से बनाएंगे। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि वार का कहां यूज करें। मैं एक ही चीज कहूंगा वार के बारे में, बड़ा डेंजरस है वार कीवर्ड से वेरिएबल बनाना, सिक्योरिटी रीजन से सही नहीं है। कैसे, एक उदाहरण आपको मैं देता हूं। यहां पे मैं वार लिखूंगा, ए लिखूंगा, और यहां पे असाइन कर दिया 10। मैंने इस 10 नाम के जो वेरिएबल है इसको मैंने कंसोल पे यहां पे प्रिंट भी कर ही दे रहा हूं, प्रिंट कर दिया और यहां पे आ गया, तो 10 प्रिंट हो गया। विंडोज दबाया, विंडोज प्लस राइट एरो, तो ब्राउजर राइट में शिफ्ट हो गया और ये अपने आप आ गया, इसमें क्लिक करा तो इधर शिफ्ट हो गया। अब आप देखिए यहां पे ए नाम का वेरिएबल बना है, 10 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ए लिखूंगा, तो ये ए नाम का वेरिएबल यहाँ कंसोल में एक्सेस हो गया। अब यहाँ पे मैं इक्वल टू का साइन दे करके 100 लिख के एंटर करूंगा, ए नाम के वेरिएबल में 100 चला गया। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दूं और ए लिख दूं, एंटर करूंगा तो 100 आ जाएगा। मतलब आप वेबसाइट बनाएं और इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कोई भी बंदा, कोई भी यूजर बदल दे आपके वैल्यू को,
तब तो ये बहुत घातक होगा आपके लिए। इसलिए वार के सहायता से कभी ना बनाए। आप जब भी बनाए कौन से ही बनाए, जब बदलने का जरूरत हो, आपने चेंज करा वैल्यू और एरर आ गया, तब जो है आप लेट का इस्तेमाल कर ले। वहां पे मैक्सिमम टाइम कॉन्स्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेट का इस्तेमाल बहुत कम होता है जहां पे वैल्यू अपडेट करने का जरूरत होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए नहीं आगे चलते हैं। जब हम लोग ए कहलाएगा वेरिएबल, वेरिएबल स्कोप का मतलब यही है, जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है बाहर एक्सेसिबल नहीं होगा, जो आपने देख ही लिया। तो इन सबको मैं कमेंट कर दूंगा। तो डेटा टाइप हमारा हो गया क्लियर, वेरिएबल क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज मैं भूल भूल गया बताना, कीवर्ड, कीवर्ड आप किसे कहेंगे? तो कीवर्ड का बहुत आसान सा परिभाषा है, कीवर्ड एक ऐसा शब्द है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पहले से एग्जिस्ट करता है, पहले से रिजर्व रहता है, पहले से आरक्षित रहता है वो शब्द जावा स्क्रिप्ट में। जावा स्क्रिप्ट हम कहें या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहें, ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो ऐसा शब्द जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से रिजर्व है और उसका अपना कुछ खास मीनिंग होता है, अपना कुछ खास अर्थ होता है, तो वेरिएबल कहलाता है। जैसे लेट, लेट क्या है? एक शब्द है, लेट है एक शब्द है और जावा स्क्रिप्ट में ये पहले से उपलब्ध है, तो ये कहलाएगा कीवर्ड। अब इसका क्या खास मीनिंग है? तो इसका खास मीनिंग ये है कि किसी भी शब्द के सामने लेट कीवर्ड लगा दिया जाए तो वेरिएबल बन जाता है और उससे रैम में मेमोरी एलोकेट, मेमोरी रिजर्व हो जाता है। जैसे मैंने लेट लिखा तो एक कीवर्ड लिखा, अब इसके बाद कोई भी स्ट्रिंग लिखा या फिर यहां पे मैं एबीसी लिखा तो ये कहलाएगा वेरिएबल। तो ये कीवर्ड का डेफिनेशन हो गया। अब एक चीज और, वेरिएबल का हम नाम कैसे रखेंगे? तो वेरिएबल का जब भी आप नाम रखेंगे तो यहां पे डिजिट नहीं दे सकते हैं। यहां पे देखिए एरर आने लगा, डिजिट नहीं होना चाहिए, अंडर स्कोर चल जाएगा, ठीक है? अंडर स्कोर सिर्फ चलेगा स्पेशल कैरेक्टर में, बाकी कुछ नहीं चलेगा। अब डॉलर भी चल जाता है कहीं कहीं, कुछ जगहों पे नहीं चलता। तो वो लैंग्वेज का अपना अपना जो है रूल्स है, नियम है। अब यहां पे अगर मैं स्पेस दे दूं तो क्या है, वेरिएबल माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो वेरिएबल में आप स्पेस भी नहीं दे सकते, अंडर स्कोर आप दे सकते हैं, डिजिट पहले नहीं दे सकते लेकिन यहां पे बाद में दे सकते हैं। तो ये वेरिएबल्स का नाम कैसे रखना है इसका कुछ नियम है। आगे चले हम, इसको भी मैं कर देता हूं कमेंट। कंट्रोल के साथ मैंने फॉरवर्ड स्लैश दबाया सेलेक्ट करके और वो कमेंट हो गया, सेव कर देता हूँ। अब वेरिएबल क्लियर हो गया हमारा। तो इसके बाद हम अब ऑपरेटर पढ़ लेंगे। ऑपरेटर मतलब क्या? कुछ ऑपरेशन करना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर तो ऑपरेटर्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या आएगा? जोड़ घटाव गुणा भाग करना। जैसे हमें जोड़ घटाव करना है तो कैसे करेंगे? एक वेरिएबल बना लेंगे, वेरिएबल का नाम मैंने ए रखा, इसमें डाल दिया 10 और फिर सेमी कॉलन का जरूरत नहीं है यहाँ पे, मेरा आदत है तो मैं दे रहा हूँ। इसका नाम लिया मैं बी, यहाँ पे डाल दिया 20। अब फिर तीसरा वेरिएबल मैं बनाऊंगा, लिख लूंगा सी और इसमें मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी कर दूंगा और फिर प्रिंट कर लूंगा। तो क्या आंसर? सी को मैं प्रिंट कर दूंगा। तो क्या अब आंसर आएगा रन करने पे? रन किया मैं इसको और यहां पे आ गया 30। तो ये कहलाएगा अर्थमेटिक ऑपरेशन में जोड़ना। ये जुड़ गया यहां पे। अब इसी को हम चाहें तो यहां पे साइन चेंज कर देंगे, माइनस का साइन दे देंगे और सेव करूंगा ये फाइल को, यहां पे कर दूंगा रन। तो ये कहलाएगा
-10 हो गया। अब -10 क्यों हो गया? मैथमेटिकली तो सही ही है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन इसको हम जो है बदल दें, यहाँ पे 30 कर दें, तब जो है प्लस में आ जाएगा। तो पहले ए में माइनस किया था बी को, तो ए में 10 था, बी में 20 था, तो इसीलिए माइनस में हमारा रिजल्ट आ गया था। इसको आप चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया मैंने, तो मल्टीप्लाई जैसे ही किया मैंने तो रिजल्ट आ गया 600। तो इस तरह से जो है अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। मल्टीप्लाई को मैंने हटाया और यहाँ पे दे दिया डिवाइड का साइन, यहाँ पे दे दिया मैंने 2, यहाँ पे दे दिया मैंने 10। अब मैं इसको रन कर दूंगा, 5 आ गया। इसको मैं क्या कर दूंगा, 11। अब आप देखिएगा 5.5, 5.5 आ गया। इसीलिए जावा स्क्रिप्ट मेरे को थोड़ा ज्यादा पसंद है। यही अगर सी होता या कुछ और होता तो क्या करता, राउंड फिगर में इसको हटा देता, 0.5 को हटा देता, 5 कर देता, या तो 5 के जगह पे 6 कर देता, पर एक्यूरेट करेक्ट नहीं देता डेटा। तो ये जावा स्क्रिप्ट का एक खासियत है। मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस माइनस इनटू डिवाइड हमने करके देख लिया। तो यहाँ ये अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है हमारा क्लियर हो गया।